रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, आँख में दर्द है रोएगा, नाक में दर्द है रोएगा, ठंडी लग रही है रोएगा, गर्मी लग रही है रोएगा, तेल चाहिए रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, गोद चाहिए रोएगा, झूला चाहिए रोएगा। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देखती है और वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। बच्चा राजी हो जाता। इमाम हुसैन ने भी देखा 70 कट गए, अब मैं ही हूं। ज़ैनब लाडाना का इमाम नहीं बोलिए फलाना फलाना। जब तक नन्हे असगर झूले पर रोने लगे, 6 महीने का बच्चा है, बोल नहीं सकता, रोने लगे। मेरे हुसैन ने गौर से देखे कि मेरा बेटा रो नहीं रहा, कुछ कह रहा अब्बा अभी तैयार मत होइए, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है। इतने बजबूरदा लोगों से तो मुलाकात ही कभी नहीं हुई। मैं शेर सुना दूं क्या? सुनाऊं शेर? शेर सुनाऊं? तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, अगर सवाल सच्चे हो तो सवाल हो, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। वहां कौन लोग जाके खड़ा हो गया, आग जली हुई है, ठंडी ज्यादा है, इसे आग के करीब रहना नहीं चाहिए। हम लोग नमाज इसीलिए पढ़ते हैं कि आग से दूर हो जाए, कलमा इसीलिए पढ़ते हैं कि दूर हो जाए। नन्हे असगर रो रहे हैं, कहा बेटा कहा अभी मैं तैयार हूं, कहा कैसे जाओगे, कहा आप मदीना में छोटे थे तो नाना के कांधे पे जाते थे, आज मैं करबला में छोटा हूं बाबा के कांधे पे जाऊंगा। मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं, बोलो चाहिए, बोलो हाथ उठा के बोलो चाहिए, बोल बोली से, जुमला से, आवाज से, पैसा से ना, पैसा से ना। मैं ममता में पहली बार आया हूं, नहीं जानता किसके पास क्या, नहीं जानता, सिर्फ एक आदमी को पहचानता हूं जिसका नाम अब्दुल सुभान है, इसलिए कि सुबह से अब तक उन्हीं के घर में। सुबह से शाम तक मैं उन्हीं का मेहमान हूं।